प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, कई सेक्टर्स में मंजूरियां मिली हैं। इसमें स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए पूंजी कोष को मंजूरी मिली है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे से जुड़े अहम प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, तो वहीं रेलवे सेक्टर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए पूंजी कोष को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप को बढ़ावा देने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय किया है। करीब करीब पूरा नॉर्थ बिहार हमारा जो नरकटियागंज से लेके रक्सौल से लेके सीतामढ़ी से दरभंगा और फिर सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर, ये पूरा का पूरा एरिया इससे कवर होता है। और ये लाइन की डबलिंग होगी और ये सेमी हाई स्पीड लाइन बनेगी, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बनेगी। और इसमें कई सारे ब्रिजेस हैं, करीब 40 से अधिक तो ब्रिज बनेंगे, क्योंकि अपना जो मिथिलांचल एरिया है इसमें बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारे छोटी और बड़ी नदियां आती हैं। तो करीब 3 तो बहुत बड़े ब्रिज बनेंगे, 99 बनेंगे मेजर ब्रिज और 200 से अधिक बनेंगे माइनर ब्रिज, यानी टोटल 310 से अधिक ब्रिज और पुल इसके अंदर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को जोड़ने के लिए 2,245 करोड़ रुपए के निवेश से नए रेल लाइन को भी मंजूरी दे दी है। इस रेल परियोजना के तहत अमरावती के लिए एक रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कृष्णा नदी पर करीब 3.2 किलोमीटर लंबा नया रेलवे पुल बनाया जाएगा। ये अमरावती को हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर से जोड़ेगा। अमरावती आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल सिटी है और ये कैपिटल सिटी बहुत ही एक नए तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसको डेवलप किया गया है, जिसमें अर्बन किया जा रहा है, जिसमें कि अर्बन प्लानिंग के सारे पॉइंट्स को इसमें फोकस किया गया है। तो अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर्स की 2,245 करोड़ रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा, देयर विल बी अ न्यू ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा, दैट विल बी अ ब्रिज, इट्स अ लॉन्ग ब्रिज, इट विल बी 3.2 किलोमीटर लेंथ एंड इट विल बी वन ऑफ द मेजर ब्रिजेस ऑफ इंडियन रेलवेज। वहीं उत्तर बिहार को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने के लिए नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। करीब 4,553 करोड़ रुपए की लागत से 256 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण होने से उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार को विशेष फायदा होगा। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार से सीतामढ़ी और अयोध्या के बीच नई रेल लाइन बिछाने को भी मंजूरी दे दी है। ये रेल लाइन नेपाल सीमा के आसपास होगी। इससे उत्तर बिहार, मिथिलांचल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर जैसे शहर जुड़ेंगे। गुड सर्किट पूरा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार हमको टारगेट दिया था कि दीपावली और छठ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चलानी है। तो लास्ट ईयर भी एक रिकॉर्ड नंबर था, लास्ट ईयर रिकॉर्ड नंबर था 4,500 ट्रेन्स का, इस साल उससे भी ज़्यादा 7,000 ट्रेन्स चलाई जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल। लास्ट ईयर भी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था, उस रिकॉर्ड को एक्सीड करके इस साल 7,000 ट्रेन्स रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन्स। हाँ, स्पेशल ट्रेन्स है ये, यानी करीब करीब 2,00,000 लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए वो व्यवस्था की जा रही है। 2,00,000 लोग डेली एक्स्ट्रा ट्रैवल कर पाए वो व्यवस्था की जा रही है एक्स्ट्रा।
इसके अलावा छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया गया है। इससे छठ पूजा के लिए बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने दीपावली और छठ के लिए 7,000 ट्रेन चलाने का फैसला किया है। केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि विशेष ट्रेनों के संचालन से रोज 2,00,000 यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जाहिर है स्पेस से जुड़े स्टार्टअप फैसलों को लेकर सरकार ने जहां वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने को मंजूरी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे से जुड़े फैसले से भी निवेश के नए अवसर पैदा होंगे, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से लगातार महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं और इस कड़ी में ये ताज़ा निर्णय लिए गए हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।